नाज़रीन अक्सर माएँ इस वजह से परेशान होती हैं कि उनके बच्चे उनसे हद से ज़्यादा लगाव रखते हैं। उनकी परेशानी इसलिए बढ़ जाती है कि बच्चे ने किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। वो बाथरूम भी जाती हैं तो बच्चे इस वक्त भी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे ही माँ इनकी नज़रों से दूर होती है तो बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं, रोने लगते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर बच्चे हर वक्त माँ के साथ चिपके रहने की जिद करेंगे तो वो ज़िंदगी में खुद आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है, वो माँ को छोड़ने को तैयार नहीं होते तो स्कूल कैसे जाएंगे, बाकी कामों और टास्क को वो अकेले ही पूरा करने की कोशिश कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब कैसे होंगे। इन सवालों का जवाब माँओं को यकीनन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों की इस आदत को सही वक्त में ख़त्म नहीं करने की कोशिश की जाती तो एक वक्त में ये नफ्सियाती आदत में तब्दील हो जाती है। इस हवाले से मिस्र के मशहूर डॉक्टर मगदा साले ने कहा है कि मुश्किल उस वक्त शुरू होती है जब माएँ अपने बढ़ते हुए बच्चों को खुद से दूर रखने की कोशिश करती हैं, बच्चे उन्हें अपनी नज़रों से दूर नहीं रखना चाहते। डॉक्टर कहता है कि नर्सरी तक पहुंचने के बाद बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता खुद से अलग सुलाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि बहादुर बच्चे डरते नहीं हैं, उन्हें बहादुरों की कहानियाँ सुनानी चाहिए और कहें कि वो अभी अगर अकेले रहेंगे या सोएंगे तो वो भी सुपर हीरो बन जाएंगे। इस तरह की मिसालों से उनका एतमाद बहाल होना शुरू हो जाता है। ऐसे वक्त में माओं को गौर करना चाहिए कि बच्चे उनसे किस हद तक लगाव रखते हैं, क्या वो अब भी इनसे दूर रहने पर तैयार नहीं हो रहे। डॉक्टर मगदा कहते हैं ये बात हकीकत है कि बच्चे कुदरती तौर पर माँ से करीब होते हैं, क्योंकि माँ करीब होती है तो वो खुद को महफूज समझते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ऐसा होता है कि माँ से हद से ज़्यादा लगाव हो जाए तो फिर बच्चे बाहर के लोगों से मिलना नहीं चाहते, वो बस माँ के करीब रहते हैं इसलिए वो बाहर के लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, इनके दोस्त नहीं बन पाते, वो ना ही किसी से खेलते हैं और ना ही बात करना चाहते हैं, बस माँ की टांगों से लिपट जाते हैं और इनके हाथों को थामे रखते हैं। जो बच्चे माँ से हद से ज़्यादा लगाव रखते हैं वो अपने बाप से भी करीब नहीं हो पाते। हद से ज़्यादा लगाव का कैसे पता चले ये भी डॉक्टर मगदा ने बताया है। जब बच्चे माँ के दूर जाने के बाद हद से ज़्यादा रोने लग जाएं, वो माँ को ढूंढने निकल पड़ें और किसी के पास भी ठहरने या रुकने के लिए तैयार ना हो, जब बच्चे खुद से कोई काम ना करें और माँ से अपना हर काम करवाते हों, वो चाहते हों कि माँ ही इनके सब काम करें और उन्हें सब चीज़ें दें, वो अचानक खौफज़दा हो जाएं और डरने लगें कि इनकी माँ इन्हें छोड़ कर कहीं चली ना जाए, वो अकेले सोने के लिए तैयार ना हो रहे हों, रात को उठकर आपको देखते हों और फिर सो जाते हों और बाहर जाते वक्त या किसी भी तकरीब में आपका हाथ ना छोड़ते हों, आपके कंधे पर सर रख देते हों या आपकी टांगों से मुस्तकिल लिपट कर रहते हों, बच्चे आपको सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा ना बनने दें, किसी और से मिलने जुलने ना दें, ये वजूहात होती हैं। आदत अब बच्चों की किस तरह से ख़त्म की जाए, माहरीन कहते हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान माओं को मुख्तलिफ आदात को अपनाते रहना चाहिए। इन्हें बच्चों को खुद से जिस्मानी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता दूर रखने की आदत इब्तदा से ही परवान चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें खेलने के लिए सामान देकर एक जगह बिठा देना चाहिए। इन्हें मुख्तलिफ सरगर्मियों में 6 माह के बाद से ही मसरूफ़ रखना चाहिए ताकि इन्हें अपनी माँ की गोद में या इनके साथ रहने की आदत ना हो। जब बच्चे बड़े और समझदार होने लगें तो इन्हें अलग कमरे में सुलाने की आदत डालें। बच्चों को समझाएँ कि प्राइवेसी भी एक चीज़ होती है, हर वक्त माँ के साथ माँ के सर पर सवार होने नहीं चाहिए, वरना इनके कुछ काम रुक सकते हैं। इन्हें समझाएं कि प्राइवेसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको। ऐसे वक्त में हमें दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो वालिदैन ही क्यों ना हो। जब बच्चे 24 माह के हो जाएं, तो इन्हें घर वालों के पास अकेले छोड़कर बाहर कुछ घंटों के लिए जाना शुरू कर दें। इन्हें इनके वालिद के पास छोड़कर काम किया करें ताकि इन्हें आपसे दूर रहने की आदत हो सके। 24 माह के बाद से उन्हें मुख्तलिफ खेलों में लगा दें। ज्वाइंट फैमिली में रहते हों तो उन्हें घर के दीगर बच्चों के साथ खेलने की आदत डालें। नाज़रीन, ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे माओं के साथ चिपके रहते हैं। जिस तरह से डॉक्टर ने आपको बताया कि माँ को चाहिए कि बच्चों की ग्रूमिंग करें, बच्चों को सिखाएं कि प्राइवेसी क्या होती है, और बच्चों को भी उतनी प्राइवेसी होनी चाहिए जितनी प्राइवेसी उनकी माँ लेती है और दूसरे लोग लेते हैं, तो स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तमाम माओं तक ये बात पहुँचाइए। अगर उनके बच्चे उनसे चिपके रहते हैं या किसी और एक्टिविटी में ख़ुद को शामिल नहीं करते तो उन तक ये स्टोरी को ज़रूर पहुँचाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।